शिवसेना यूबीटी नेता विनोद घोसालकर के बेटे अभिषेक घोसालकर को गुरुवार शाम मुंबई में गोली मार दी गई। इस घटना का एक फेसबुक लाइव वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें पूर्व पार्षद अभिषेक को पेट और कंधे में गोली लगते हुए दिखाया गया है। गोली मारने के बाद हमलावर ने भी सुसाइड कर लिया है। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने यह भी बताया कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता को गोली मारने के बाद हमलावर ने भी खुद को गोली मार ली, जिसके बाद दोनों को गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया, जहां आरोपी और अभिषेक दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना दहिसर इलाके में MHB कॉलोनी पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई। गोली मारने वाले शख्स की पहचान मॉरिस के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। पुलिस के अनुसार गोलीबारी के समय अभिषेक और मॉरिस ऑफिस में ही एक साथ बैठे थे और फेसबुक लाइव में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के बीच विवाद खत्म होने की बात करते दिखे। इसके बाद जब अभिषेक ऑफिस से बाहर निकलने लगे, उसी समय मॉरिस ने अभिषेक पर करीब 5 बार फायरिंग कर दी। उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार पैसे के लेन देन के मामले में गोलीबारी की यह घटना हुई। पता चला है कि 1 साल पहले अभिषेक ने मॉरिस के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। तब से ही अनबन होने की जानकारी सामने आ रही है। इसे लेकर शिवसेना के उद्धव गुट नेता ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने महाराष्ट्र में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की NCP पूरी तरह से विफल हो गई है। राज्य में अब कोई भी सुरक्षित नहीं दिख रहा है। जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या कहें? क्या सरकार खुद ही डर का माहौल बना रही है? क्या विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है? वहीं शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने दहिसर मुंबई गोलीबारी की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। इस घटना के बाद डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया। आइए सुनवाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में क्या कहा। कल UBT के नेता अभिषेक घोसालकर, इनकी जो हत्या हुई और हत्या के बाद जिन्होंने हत्या की वो मॉरिस, इन्होंने भी अपने आप को गोली मार ली, ये पूरी घटना बहुत गंभीर है। इस प्रकार से एक युवा नेता की मृत्यु होना ये दुखद है, किंतु इसको कानून व्यवस्था के साथ जोड़कर और उस पर राजनीति करना ये भी बहुत दुखद है, क्योंकि 2024 में भी मॉरिस और घोसालकर जी, इनके साथ में हमको बैनर्स देखने को मिले, साथ में नए साल का स्वागत उन्होंने मिलकर किया। कई वर्षों से वो साथ में काम करते थे, किन्हीं कारणों से उनमें दुश्मनी तैयार हुई थी, अभी उनमें से कई कारण सामने आ रहे हैं जिसकी तफ्तीश चल रही है। एक बार इसकी पुष्टि होने के बाद वो कारण भी बताए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो घटना है, ये घटना एक प्रकार से जो आपसी बैर है उसके कारण हुई है। ये लोग साथ में ही काम करने वाले लोग थे, लेकिन इस घटना को देखते हुए राज्य सरकार ने जो गन लाइसेंसेस इश्यू हुए हैं उसके बारे में, या फिर अगर बिगर लाइसेंस की कोई गन अगर मिलती है तो वो कहाँ से आई है, ये सारी चीजों की तफ्तीश करने के आदेश दे दिए। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।